मोदी जी, 5 साल बाद मोबाइल पर फिर से मैसेज आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि देश की उम्मीदों का नाम है मोदी और दुश्मनों की मौत का पैगाम है मोदी। एक और मैसेज आया, ये आज बिहार से मुझे किसी ने भेजा, मोदी ने कर दिया ऐलान, कान खोलकर सुन लो इमरान, कहता सारा हिंदुस्तान अब नहीं बचेगा पाकिस्तान। अब एक और मैसेज आपको सुनाता हूं, घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। तो हर जगह ये मोदी मोदी, कभी आपने सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा लोगों का? रजत जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं, इंडिया टीवी के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। चुनाव के 4 चरण हो चुके हैं, 3 बाकी हैं। इस बीच आपसे बात करने का आज अवसर मिला है, लेकिन आपने शुरुआत जनता के नाम से की है और वैसे भी आप जनता के पत्रकार हैं। पहले तो मैं इसमें सामान्य मानवीय की जो क्रिएटिविटी है उसको एंजॉय करता हूं। जहां तक मोदी का सवाल है, 2014 में पहली बार, मुझे याद तो नहीं कि इस प्रदेश में मैंने पहली बार ये सुना, लेकिन पहली बार ये शब्द मेरे कान में गूंजने लगे और उसको मीडिया ने भी उठा लिया और शायद दुनिया के राजनीतिक इतिहास में 2 शब्दों का नारा, 2 अक्षरों का, 2 शब्द भी नहीं, 2 अक्षर नारा बन जाए, ये पॉलिटिकल पंडितों के लिए अध्ययन का विषय है। लेकिन जनता ने जो प्यार दिया है, जनता जिस प्यार से इन बातों को बताती है, उसमें किसी के प्रति गुस्सा भी है, किसी के प्रति नफरत भी है, और मोदी के प्रति प्यार से ज्यादा विश्वास और अपेक्षाएं हैं। और इसलिए शुरू में तो जब मोदी मोदी सुनते थे तो एंजॉय कर लेते थे, लेकिन अब जब मोदी मोदी सुनता हूं तो मैं सोचता हूं मेरी नींद मुझे और कम करनी पड़ेगी, मुझे और जागना पड़ेगा, मुझे और दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य मानवीय के लिए ये शब्द नहीं है, सामान्य नागरिक के लिए ये नाम नहीं है, उसके दिमाग में उसकी समस्याओं का समाधान है। और तब मेरा दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है, मैं देशवासियों को उनके इस प्यार के लिए सर झुका करके नमन करता हूं, लेकिन उन्हें मैं जरूर कहूंगा, मैं भी आपके जैसा एक सामान्य इंसान हूं, मुझमें भी जैसे कि इंसान में कमियां होती हैं वो कमियां हैं, मुझमें भी हर इंसान में जैसे कुछ गुण होते हैं मुझमें भी गुण है, लेकिन मैंने तय किया है कि मैं इस पद पर रहते हुए और जहां भी रहूंगा आपके लिए जीऊंगा। मोदी जी, आप तो दिन भर होकर कह रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि जो विरोधी हैं, अब राहुल गांधी बेंगलोर में सभा कर रहे थे विद्यार्थियों के बीच, वहां भी मोदी मोदी।
अब इसके लिए तो हम क्या जवाब दें? किसने मुझे लिखकर भेजा, घर घर मोदी, हर हर मोदी, कान खोलकर सुने विरोधी।